नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मृदुला चैनल में आपका स्वागत है। दीपावली आने वाली है और मैं आपको दीपावली की अभी से शुभकामनाएं दे रही हूँ। त्योहार हो और लड्डुओं की बात ना हो, कभी ऐसा हो सकता है? तो चलिए, आज हम मीठे मीठे बेसन के लड्डू बनाते हैं। इतनी आसान रेसिपी कि सुनते ही आपका मन करेगा कि चलो कढ़ाई रखी जाए और लड्डू बनाए जाए। देखते हैं आज हमें इसके लिए क्या चाहिए। लड्डू बनाने के लिए आज हमने लिया है 500 ग्राम बेसन। ये मोटा बेसन है, आप चाहे तो पतला भी ले सकते हैं, वो रेसिपी में मैं आपको डिस्कस करूंगी। 400 ग्राम देसी घी लिया है और 400 ग्राम ही चीनी ली है। घी और चीनी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये देसी खांड ली है, इसे कच्ची खांड भी कहते हैं या देसी शुगर भी कहते हैं। ये बाजार में मिल जाती है या आप तगार भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी हम डिस्कस करेंगे। कटे हुए काजू और बादाम है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर है, साथ ही खरबूजे के बीज हैं। आइए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने एक भारी तले की कढ़ाई रखी है, अभी गैस को मैंने ऑन नहीं किया, और इसमें मैं ये सारा बेसन डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें मैंने घी नहीं डालना। पहले हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि बेसन, कई बार इसमें हल्की सी खुशबू आती है अलग से, तो वो ख़त्म हो जाए, ताकि ज़्यादा बिल्कुल। मैं अब गैस को ऑन कर रही हूँ, सिम पे बिल्कुल गैस को रखना है, बिल्कुल सिम, और लगातार इसको चलाते जाना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ इतना ही कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बेसन भुन गया है, इसमें से मीठी मीठी खुशबू आ रही है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, मतलब देसी घी। आधा इसमें डाल रही हूँ, एकदम सारा नहीं डालूंगी, और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल देंगे। और इसको लगातार चलाएंगे। बेसन से खुशबू आ रही है और ये भून रहा है, और अब इसमें और घी की जरूरत नहीं है, इसी घी में हम इसको भूनेंगे। और मैंने आपको बताया था जो हमने देसी खांड ली है, ये थोड़ी मोटी होती है, लड्डुओं में यही डाली जाती है, जिससे इनमें क्रंच आता है, और घर भी बना सकते हैं हम इसको। चाशनी से एक कटोरी, जैसे हमने बनानी हो, एक कटोरी चीनी की लेकर उसमें आधी कटोरी पानी डालकर उसे उबाल के भी हम चाशनी सुखा कर फिर उससे खांड बना सकते हैं, जो लड्डुओं के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए बेसन कितना अच्छा भून रहा है, दिखाई दे रहा है, बीच में उबल रहा है घी के साथ। इतना घी होना चाहिए जब हम लड्डू बनाने के लिए बेसन को भूनते हैं। पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया था 5 मिनट के लिए, अब इसको मैं लगातार लगभग 10-12 मिनट लगेंगे इस बेसन को भूनने में। लगातार चलाते हुए हम इसको भूनते रहेंगे। बेसन लगभग 20 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, देखिए इसमें बिल्कुल दाना बना हुआ है बेसन में, और ये धीरे धीरे तली में बैठ रहा है। इसका मतलब है कि बेसन ये भून चुका है, उबाल आ रहे थे पहले इसमें, वो धीरे धीरे उबाल ठंडे हो गए हैं। अब वैसे तो ये भून चुका है, फिर भी थोड़ा सा इस समय पानी का इसमें छींटा लगाते हैं। ये देखिए, अगर इस यहाँ पे वाइट वाइट झाग आते तो इसका मतलब था कि बेसन अभी नहीं भुना, लेकिन ये अब भुन चुका है, इसकी यही पहचान है। वैसे मोटे बेसन में पानी का छींटा लगाने की जरूरत नहीं है दाना बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ
ये देखने के लिए कि बेसन भुना है या नहीं, तभी इसीलिए मैंने पानी का छींटा यहाँ पे लगाया है। और मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ। इसको लगातार चलाते रहेंगे। बेसन और खांड दोनों ही मैंने छान कर यूज किए हैं। आपको इन्हें पहले छान लेना चाहिए, क्योंकि अगर खांड के अंदर कोई गांठ वगैरह हो तो वो सारी निकल जाती हैं, और उनको थोड़ा सा क्रश करके फिर हम दोबारा डाल सकते हैं। गैस बंद करने के बाद मैं कढ़ाई को गैस बर्नर से उठाकर स्टैंड पर रख रही हूँ, क्योंकि ये नीचे से जल जाता अगर ज़्यादा देर उसके ऊपर रखा रहता, बर्नर गर्म रहता है। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, तभी जाकर हम इसमें मीठा मिलाएंगे। अब इसको हम ठंडा करते हैं, और उतनी देर में हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लेंगे। खरबूजे के बीज हैं, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो कई बार हम बेसन भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होने पे भी डाल देते हैं कच्चे ड्राई फ्रूट्स, लेकिन पता नहीं चलता, कई बार तेज में भी डल जाता है अगर हमें पता ना चले, तब ये जल जाते हैं। इसलिए इनको हल्का सा रोस्ट करके, और जब बेसन ठंडा हो जाएगा बिल्कुल मीठा मिलाएंगे, उसी समय इनको हम डालेंगे। खरबूजे के बीज चटक रहे हैं धीरे धीरे। इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं का। काजू बादाम जब बच्चे नहीं खाते तो हम इन्हें पूरी तरह से ग्राइंड करके भी मिला सकते हैं। मैंने गैस बंद की हुई है और सिर्फ गर्म तवे पे ही मैंने इनको हल्का सा सेकने के लिए डाला हुआ है। गैस बंद है, बर्नर पूरी तरह से इसी पे रोस्ट हो जाएंगे, वरना जो है बादाम है बारीक बारीक है ये, अगर हम इसको गर्म पे करेंगे तो ये जल भी सकते हैं। बस हल्का सा हमने इनको गर्म तवे के ऊपर ही डाल दिया है। ठंडा करने के लिए अब मैं इसे एक थाली में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए बेसन अभी हल्का सा गर्म है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिला रही हूँ, और इसके साथ ही ये नट्स सारे, ताकि हल्का सा इनको और सेक लग जाए। नट्स आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। अच्छी तरह मिला दें इनको, और थोड़ा सा इसको अभी और ठंडा होने देंगे। बहुत अच्छा बेसन भुना है, बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं इसके, आप ध्यान से देखो। इसमें ऐसा ही बेसन हमारा भुनना चाहिए, और घी भी इतना ही होना चाहिए। मैंने थाली को नीचे से टच करके देख रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडा हो गया बेसन, बिल्कुल हमारे रूम टेम्परेचर पर है। अब इसमें हम ये खांड मिला देंगे। देखिए बिल्कुल, मैंने बताया था आपको, इसमें बिल्कुल क्रिस्टल होते हैं, ये देसी और कच्ची खांड है, मार्केट में आराम से मिल जाती है। इससे बड़ा अच्छा क्रंच आता है लड्डुओं में, और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। मिलाते हैं इसमें, हम इसे हाथ से भी अच्छी तरह से, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से मिला सकते हैं। इसमें अगर
कई बार घी ज़्यादा हो जाए तो हम थोड़ा सा बूरा या खांड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे डालकर भी इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। और अगर ये रूखा रूखा लगे तो हल्का सा इसमें हम घी गरम करके भी मिला सकते हैं। गरम मिला दें या वैसे भी मिला दें, देखिए बिल्कुल लड्डू अब बन रहे हैं ऐसे। मैं सारे इसको मीठे को मिला देती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके। बुरा अच्छी तरह से इसमें मिल चुका है जो भी हमने डाला इसमें, देसी खांड या बूरा जो भी, यहाँ मैंने देसी खांड का प्रयोग किया है। और थोड़ा थोड़ा लड्डू के साइज का, जैसे टेनिस बॉल होती है उतना उतना उठा के हम इसे लड्डू को बांध लेंगे। कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल फैल नहीं रहे बिल्कुल भी। आपने इसी चीज का ध्यान रखना है बस कि जब भी आप इसमें मीठा मिलाते हो उस समय बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इन सभीयों को हम लड्डू बनकर तैयार हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, खाने के लिए बिल्कुल तैयार। इसलिए अगर आपको बाजार की भीड़भाड़ से बचना है तो ये इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे लड्डू कि आप बाजार जाकर लाने में उतनी देर लग जाएगी, इतनी बनाने में नहीं लगेगी। इसलिए जल्दी से उठिए, अगर आप अभी तक आपने लड्डू नहीं बनाए तो जल्दी से बनाइए, खाइए और सबको खुश करिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।